फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानते हैं दशमलवरिष्ठ सिरप के फायदे, नुकसान और सेवन करने की पूरी जानकारी। दशमलवरिष्ठ सिरप के फायदे। शिशु के जन्म के बाद महिला को कई तरह के शारीरिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। दशमलवरिष्ठ इन समस्याओं को कम करने में मदद करता है। प्रसव के बाद की इन समस्याओं में दशमलवरिष्ठ फायदेमंद होता है। स्त्रियों को प्रसव के बाद बुखार हो सकता है। दशमलवरिष्ठ बुखार को कम करता है। दशमलवरिष्ठ में पाचन गुण होते हैं जो अपच्य संबंधित समस्याओं में ठीक करता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। प्रेगनेंसी के बाद की समस्याओं के कारण स्त्रियों में खाने के प्रति अरुचि हो जाती है और भूख भी कम लगती है। दशमलवरिष्ठ का सेवन से भूख बढ़ती है। दशमलवरिष्ठ में दर्द निवारक गुण होते हैं। इस गुण के कारण यह पेट दर्द और कमर दर्द में भी कमर दर्द की समस्याओं को कम करने में मदद करता है। दशमलवरिष्ठ सिरप में कई जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनी है। इसके कारण यह स्त्रियों की शारीरिक क्षमता और फिटनेस को बढ़ाने में कारगर है। महिलाओं में कमजोरी और थकान को खत्म करने में मदद करता है। दशमलवरिष्ठ महिलाओं को मानसिक शक्ति देता है और उनके दिमाग और शरीर को मजबूत बनाता है और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है। दशमलवरिष्ठ सिरप से त्वचा में निखार आता है और त्वचा को एक प्राकृतिक चमक देता है। साथ ही त्वचा पर मौजूद काले दाग, धब्बे, पिंपल्स आदि को हटाने में मदद करता है। फ्रेंड्स, ये है दशमलवरिष्ठ सिरप के फायदे। अब जानते हैं दशमलवरिष्ठ सिरप के सेवन के बारे में। तो 15 से 20 मिली दशमलवरिष्ठ दिन में 2 बार भोजन करने के बाद ले और डॉक्टर की सलाह अनुसार ले। अब जानते हैं दशमलवरिष्ठ सिरप के नुकसान के बारे में। तो दशमलवरिष्ठ सिरप के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसका सेवन हमेशा सीमित मात्रा में करना चाहिए। इसमें मौजूद किसी घटक द्रव्य से आपको एलर्जी हो तो इसका सेवन से बचना चाहिए। इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दशमलवरिष्ठ सिरप आपको कोई भी मेडिकल शॉप में या मार्केट में आराम से मिल जाएंगी। वैसे तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी MRP के बारे में। तो MRP 125 रुपये इसकी MRP है और आपको 450 ml की बॉटल मिलती है। फ्रेंड्स, ये है दशमलवरिष्ठ की पूरी जानकारी। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रकार का सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, ठीक है, धन्यवाद।